आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर निवासियों के लिए एक अच्छी खबर। बिजनौर में आज कोरोना पॉजिटिव 27 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सबको अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। इसमें 9 लोग मुरादाबाद जिले के ही शामिल हैं। अब बिजनौर में मात्र 9 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या रह गई है। डिस्चार्ज किए गए लोगों को प्रशासन ने फूल भेंट कर उनका सम्मान किया है, तो इनका इलाज करने वाले 25 डॉक्टरों को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। आज बिजनौर में एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें बिजनौर के अंदर कोरोना संक्रमित लोगों में 27 की दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुलिस और प्रशासन में खुशी का माहौल छा गया है और जिले के लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बिजनौर के अंदर बिजनौर जनपद के 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा मुरादाबाद के 9 लोग कोरोना संक्रमित थे, यहीं के LI हॉस्पिटल हल्दौर में भर्ती थे। आज दोपहर 27 लोगों की दूसरी बार रिपोर्ट निकट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग प्रशासन में खुशी का माहौल छा गया है। इसमें 9 लोग मुरादाबाद के भी शामिल हैं, जो कोरोना संक्रमित थे और उनका उपचार बिजनौर में चल रहा था। इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जबकि बिजनौर के 29 कोरोना संक्रमित लोगों को 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें बिजनौर के 2 लोग जो संभल और कानपुर में भर्ती थे वह पहले से ही डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन सहित 20 लोग जिले के नेगेटिव होने के बाद अब जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9 रह गई है। नेगेटिव आने वाले सभी 27 लोगों को प्रशासन ने आज अस्पताल से डिस्चार्ज करते हुए उनके घर भेज दिया है। डिस्चार्ज होने से पहले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के लोगों ने इन सभी को गुलाल का फूल देते हुए खुशी खुशी इनके घर के लिए विदा किया है और इनके आगे भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अस्पताल से सही होकर जाने वालों ने बताया कि अस्पताल में उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। सभी डॉक्टरों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई है और बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की है। वे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज इस गंभीर बीमारी के बाद सही होकर अपने घर अपने बच्चों में जा रहे हैं। उधर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया, बिजनौर के 27 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें 9 लोग मुरादाबाद के हैं। ये सभी यहाँ के LI हॉस्पिटल में भर्ती थे। इनकी रिपीट टेस्ट भी कराया गया, जो निगेटिव आया है। आज इन सभी को घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें 18 लोग बिजनौर के हैं और 9 लोग मुरादाबाद के हैं। बिजनौर के 2 लोग मुरादाबाद और संभल में भर्ती थे, जो पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं। इन सब को मिलाकर बिजनौर में 20 लोग कोरोना संक्रमित थे, जो स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। अब जनपद में 9% कोरोना पॉजिटिव रखे हैं। उम्मीद है हमारा जिला रेड जोन में है। इन लोगों के सही होने के बाद स्थिति बदलेगी और उसके बाद ही हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार करने वाले 25 डॉक्टरों की टीम को फूल देकर प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया और CMO विजय यादव ने के अनुसार इन सभी डॉक्टरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना होगा। इनके लिए होटल रॉयल कैसल में क्वारंटीन रहने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सभी मरीज खुशी खुशी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ शानिया, बताइए कितने दिन रहे यहाँ और कैसा माहौल रहा यहाँ का? सही रहा। आसिफ, यहाँ आप क्वारंटाइन थे, पूरी बात बताइए कैसा रहा 14-15 दिन का सफर आपका यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा, बहुत देखभाल करी लोगों ने यहाँ पर हमारी। हाँ और भाई अल्लाह से हमने मांगा, अल्लाह पाक ने हमें जो अपने घर भेज दिया। यहाँ पर लोगों ने बहुत देखभाल करी हमारी माशाल्लाह। सब लोग माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है फिक्रमंद सब है। CHC में जो हमारा L1 लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ 27 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव जो हुए थे वो भर्ती थे। तो इन सबका 14 दिन पूरा हुआ, इनके टेस्ट कराए गए तो निगेटिव आए, फिर इनका रिपीट टेस्ट भी कराया गया तो वो निगेटिव आए। इसका आशय है ये कि ये क्योर हो गए, तो अब इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ 27 पेशेंट्स थे, जिसमें से 9 मुरादाबाद के थे और 18 हमारे जनपद बिजनौर के थे। तो बिजनौर के भी 18 डिस्चार्ज हुए और मुरादाबाद के भी 9 डिस्चार्ज आज यहाँ से हुए। अब इस हॉस्पिटल में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं रहा। आज इन सबको यहाँ से विदा किया गया है। जनपद बिजनौर में 2 पहले से, एक सब इंस्पेक्टर और एक दूसरा पेशेंट जो हमारा मुरादाबाद में था, वो भी क्योर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
कुल बिजनौर के 20 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ कुल 9 पेशेंट्स बिजनौर के जो हैं वो पॉजिटिव हैं और इलाज में हैं, उनमें से 7 संभल में हैं और 2 मेरठ में हैं। सर, क्या हमारे यहाँ कुछ अभी जोन बदलने की संभावना है इस घटना के बाद, जितना ये 19-18 जो हमारे नेगेटिव पाए गए हैं? देखिए, हमारी संख्या 29 तक पहुंच गई थी और थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये इलाका हो गया था कि इसमें और हम सख्ती करते और बेहतर व्यवस्थाएं करते। अब यह संख्या घटकर 9 आ गई है, तो अभी ज़िला तो रेड जोन में है ही, क्योंकि संख्या 20 से कम हो गई है और उम्मीद है कि एक दो दिन में जो बाकी हमारे 9 पेशेंट्स हैं वो भी, उनका भी टेस्ट हम करा रहे हैं, उनका भी 14 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो एसिम्प्टोमेटिक हैं सारे। एक डॉक्टर अग्रवाल एक है उनका केस छोड़ करके, बाकी सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही क्योर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लोग एडमिट थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, जैसे 9 मुरादाबाद के थे, 18 हमारे जनपद के थे, सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, तो सभी की अच्छी तरीके से यहाँ से देखभाल हुई और सब बहुत अच्छी तरीके से दोनों टेस्टों में अपने नेगेटिव आ गए, तो आज पूरी तरीके से निष्क्रमित होके आज इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा, जो आपकी डॉक्टरों की टीम है, अब इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, इनको भी क्वारंटीन कराया जाएगा? क्योंकि आज इनके भी 14 दिन पूरे हो गए, इसके बाद से अब ये 14 दिन के लिए करीब पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे और इनको हमने अपने यहाँ होटल में अलग अलग कमरे में एक व्यवस्था की हुई है, ये 15 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके बाद ही अपने घर जा पाएंगे। कितने डॉक्टर्स, कितनी टीम? 25 लोगों की टीम है। 25 लोग, ठीक, थैंक यू।